स्टार्ट। आज हम लोग गुजरात के भराड़ में इस विख्यात विश्वविद्यालय में अनेक प्रांतों से एकत्र होकर के भारतीय भाषा आंदोलन की राष्ट्रीय बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए। यहाँ की अधिवक्ता अपनी भारतीय भाषा आंदोलन की राष्ट्रीय महिला सह प्रमुख श्रीमती जागृति दवे इस कार्यक्रम को पूरा देख रही हैं। उनकी टोली उनके साथ है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं बहन जागृति जी के माध्यम से हो रहा है। दो दिन का ये राष्ट्रीय बैठक अपनी 29 और 30 दिसंबर 2021 को रहने वाली है, जिसमें आने वाले वर्ष के प्रमुख कार्यक्रमों को हम लोग निश्चित करेंगे और देश भर में जो कार्यक्रम जिस स्वरूप से जाने हैं और जिसकी जिम्मेदारी तय उसमें होनी है, वो सब विषय यहाँ गहराई से चर्चित रहेंगे। संक्षिप्त में इस दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक का गुजरात में बहन जागृति दवे के इस सुंदर आयोजन द्वारा हम लोग करने वाले हैं। सर, मेरा पहले क्वेश्चन ये है, हमने कई साल से सुनाई जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा चल रहा, लेकिन आसानों का आपने गुजरात का राजकोट जगह पे आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपके भारतीय भाषा आंदोलन राष्ट्रीय बैठक यहाँ क्यों रखा गया? भारतीय भाषा आंदोलन की राष्ट्रीय बैठक क्रम अनुसार अलग अलग प्रांतों में आयोजित रहती है। इससे पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में तथा अपनी राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन हो चुका है, तो उसी क्रम में हम लोग इस बार बहन जागृति दवे के विशेष अनुरोध पर गुजरात में इसको रखा है। सोमनाथ महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, द्वारकाधीश जी का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं ने द्वारकाधीश जी को एक मांग पत्र भी सौंपा है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। यहाँ की टोली के साथ विषय साझा करने का अवसर मिलेगा और कई कार्यक्रम जो गुजरात से प्रारंभ होने हैं उसके अनुमिल चर्चा रहेगी। इस दृष्टि से हम लोग गुजरात अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि देश के पश्चिमी भाग में संभवतः पहला यह कार्यक्रम है और जैसा कि आपने बताया कि उसमें आप द्वारिकाधीश को मांग पत्र सौंपा है, ये बड़ा अपने आप में अनोखा है। उस मांग पत्र में आपने क्या मांगा है? मैं अनुरोध करूंगा कि आशीष जी इस मुख्य बिंदु आपको बताएं। जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि क्रम अनुसार अपनी बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हो रही हैं, इसी क्रम में हम गुजरात में आए। इसके पूर्व अयोध्या में भी आपके प्रश्न से संबंधित उत्तर है। अयोध्या में अपनी एक बैठक हुई थी, वहाँ हनुमानगढ़ी में हनुमान लला को भी हमने एक मांग पत्र सौंपा था और द्वारकाधीश के श्री चरणों में भी जो मांग पत्र सौंपा है उसमें मुख्य रूप से यह इसकी प्रति हम आप सबको सौंप देंगे। जो मुख्य रूप से मांगे हैं, देश के सभी उच्च न्यायालयों में उस राज्य की राजभाषा में कार्य की अनुमति हो, सभी प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों में जहाँ अभी तक राज्य की राजभाषा में कार्य नहीं हो रहा है वहाँ उस राज्य की राजभाषा में कार्य किया जाए। ऐसे हमारे 8-10 बिंदु हैं, लगातार आपको मांग पत्र सौंपेंगे। उसमें एक प्रमुख हमने श्री द्वारकाधीश से आग्रह किया है कि देश की संसद का भी मार्गदर्शन करें, क्योंकि अनुच्छेद 348 यह प्रावधान करता है कि देश की संसद कानून बनाकर देश के सभी उच्च न्यायालयों की भाषा को बदल सकती है,
तो अभी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमने आग्रह किया है कि वो उचित रूप से संसद का और सांसदों का मार्गदर्शन करें, जिससे कि देश की संसद आजादी के इस अमृत महोत्सव में न्यायालयों में भी भारतीय भाषाओं का प्रवेश सुनिश्चित करा सके। सर, मेरा एक क्वेश्चन यही है कि ये भारतीय भाषा आंदोलन का जो हमने किया है, इसमें पश्चिम क्षेत्र का जो हिस्सा है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र में, इसमें कितना काम जो है वो आगे बढ़ा है? अभी पिछले मास ही भारतीय भाषा आंदोलन ने कार्यक्रम लिया था सड़क से संसद तक, और सभी सांसदों से हम लोग दिल्ली में मिले थे। उसी के निमित्त गुजरात के भी कई सांसदों से हम लोग मिले। मुझे नाम ध्यान आ रहा है श्रीमान मोकड़िया जी का, राम भाई मोकड़िया जी का, जो सांसद है, और उन्होंने इस विषय को जब हमसे समझा और सुना तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी के पास प्रेषित करेंगे, ताकि धारा अनुच्छेद 348(2) के तहत गुजरात के उच्च न्यायालय में गुजराती भाषा में सारी कार्यवाही होने लगे। अगर अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं भी करूं। आशीष जी से मेरा प्रश्न ये है कि एक श्लोक उसमें दिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, उसका क्या प्रश्न, क्यों प्रासंगिक है यहाँ पे? वो तो धर्म की जब हानि होती है तब के लिए है, यहाँ धर्म की कौन सी हानि हो रही है? आप मानव पत्र में जो श्लोक है उसका उल्लेख कर रहे हैं, गीता के अध्याय में ये कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। इसका तात्पर्य श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होकर उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और अपनी भाषा जो न्यायालयों से दूर है वो भी तो एक तरह से अधर्म का हो हिस्सा है, उस अधर्म का समूल नाश हो, इसलिए श्री द्वारकाधीश के चरणों में हमने मानपत्र रखते हुए इस श्लोक का उल्लेख किया है। तो क्या सरकार आपकी बात नहीं मान पा रही है? सरकार है, लेकिन जनता की आवाज सरकार को सुनना पड़ता है, और निश्चित रूप से जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। आखिर सवाल है, हमारे राष्ट्रीय महिला प्रमुख मैडम से कि आपको कैसे अभी लग रहा है कि ये पश्चिम भारत में महिलाओं की कार्यक्रम कैसे रहेगा, बढ़ेगा, आप क्या सोचें इसमें? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय भाषा आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका है वह अग्रणी रही है, और इसी क्रम में आने वाले समय में एक बैठक अभी इस क्षेत्र में होगी वो निश्चित नहीं है, इसलिए क्षेत्र नहीं बता रही। महिलाओं की बैठक होने वाली है जो कि संगठन की संरचना को मजबूती देने के लिए विशेष रूप से की जा रही है, और उसी क्रम में यहाँ भी ये जो 2 दिन की हमारी बैठक चलेगी इसमें महिलाओं का विशेष रूप से सत्र रहने वाला है, जिससे इस क्षेत्र में महिलाओं का संगठन और मजबूत हो और प्रभावशाली तरीके से हम अपने कार्यों को गति दें, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जाएगी। जागृति दीदी हमारे यहीं इसी क्षेत्र से हैं, आपके जो महिला प्रमुख या नेतृत्व हैं यहाँ के, तो पश्चिम भारत के इन्होंने एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या भावना है? मेरा ये मानना है कि मैंने कहा कि महिलाएं हमारी हमेशा अग्रणी रही हैं और आंदोलन में तो हमारे प्रांतों में देखेंगे, हर जगह देखेंगे तो उनका प्रभुत्व है, मैं ऐसा कहूँ तो जागृति दीदी के अनुरोध पर ही ये पूरी बैठक राष्ट्रीय बैठक हमारी यहाँ हो रही है, और महिलाओं का संगठन भी उनकी अगुवाई में उनके आगे योजना के स्वरूप में आगे बढ़ेगा, और असम से भी, पूर्वोत्तर से भी और उड़ीसा से भी हमारी महिला अधिवक्ताएं आई हैं। मृणालिनी खत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, प्रतिभा वर्मा जी साथ में बैठे हैं, आप उड़ीसा की
प्रांत संयोजिका हैं और जो कि महिलाओं के संगठन को भी प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही जागृति दीदी का ये जो प्रयास है ये सफल रहेगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पर महिलाओं का जो संगठन है वो काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल ये है।